आज हम इस बेटी की गवाही सुनेंगे। क्या नाम किया बेटे तेरा? नहीं, वो माइक में बोल, माइक। शरणजीत कौर। शरणजीत कौर, मैं आज आपको इसकी बहुत बड़ी इसकी गवाही है, मैं आज खुद इसकी गवाही आपको बताता हूँ। क्या हुआ कि ये पिछले संडे की बात है ना, इस हाँ नहीं सामने देखो सामने, आज तीन हफ्ते पहले की बात है, तीन हफ्ते पहले की बात है। ये संडे की मीटिंग में ये बेटी आई, और यहाँ से मीटिंग खत्म होने से बाद ये कोई इनके घर, जब ये अपने घर जा रहे थे तो रास्ते में एक गांव था उनके, वहाँ पे इनके कोई रिश्तेदार थे अपने, ये अपने घर नहीं उनके घर चले गई, अपने रिश्तेदारों के घर चले गई। और उसके बाद ये उन अपने रिश्तेदारों के घर से होकर ये बात अपने घर गई, और तब अंधेरा हो गया। जब अंधेरा हो गया तो ये जब अपने घर पहुंची तो ये लेट होगी, तो इसकी माँ ने थोड़ा सा, माँ तो पूछते हैं ना बच्चों से क्या, तो उसने थोड़ा सा ऐसे गुस्से से थोड़ा डांटा। क्या डांटा? डांटा ऐसे कि तुझे पता नहीं है, है ना, ऐसे भाव, बच्चों की तो चिंता करते हैं ना माता पिता। और डांटा ऐसे कि तू इतने अंधेरे, है ना, क्योंकि जवान है तो डांटा, और डांटने की वजह से डेवल ने, शैतान ने इसके मन में ऐसी बातें डाल दी कि गुस्से से इसने तजाब पी लिया। क्या पी लिया इसने? तजाब पी लिया, तजाब। और आपको पता है कि तजाब एक ऐसी चीज है वो क्या कर देता है इंसान का, हाँ, एक वो चीनी की होती वो शीट्स, उस पर भी डालो जम्मी हुई मैल को भी वो है उखाड़ देता है। तो हमारा तो ये अंदर का हिस्सा जो कितना नाजुक है, बोलो क्या है, कितना नाजुक है, नाजुक है। और जब इसने गुस्से से पी लिया तो इसने अपने पापा को, अपने डैडी को, मतलब कहा कि मैंने तेजाब पी लिया, फिर मम्मा को, तो उनको नहीं पता ये, वो कहते ऐसे कर रही है, तो उसने, उन्होंने कहा जा परे, हाँ, तो इसने कहा मैं मर जाऊंगी, तो ये छत पर चले गए, और ये ऐसे ऐसे इन्होंने जो आसपास के गवांडी इनके कुछ रिश्तेदार भी, उनको बोला मैंने तेजाब पी लिया, मुझे बचाना चाहते हो तो बचा लो। और इतने में ऐसे बोल रही थी और इसके ब्लड की उल्टियां आने लगी, जिस चीज की ब्लड की उल्टियां आने लगी। और इतने में जो आसपास के जो लोग थे, कुछ रिश्तेदारी में थे, वो घर भागकर इनके घर आए और इनके माता पिता को कहा कि वो ऊपर हैं। तब जितनी देर तक वो गए, ये बेहोश होगी, फिर डॉक्टर के पास लेकर गए, इसकी हालत इतनी ज्यादा नाजुक थी, डॉक्टर ने कहा मेरी बस की बात नहीं है, आप इसके हॉस्पिटल लेकर जाओ। हॉस्पिटल लेकर गए, क्या लेकर गए, और हॉस्पिटल वालों ने एक पाइप डाली थी मुंह में, जी हाँ जी, हाँ पाइप डाली मुंह से के अंदर, मुंह के से अंदर पेट में, और वो तेजाब को निकाला। और क्या कहा था उन्होंने कि अगर कुछ भी थोड़ा सा भी अगर तेजाब अंदर रह गया तो क्या है, तुम मर सकती है, तेरी मौत हो सकती, तेरी मौत हो सकती है, अगर जरा सा भी तेजाब तेरे अंदर रह गया तो तेरी डेथ हो जाएगी। डेथ तो इसकी पहले ही हो जानी थी अगर ये प्रभु में ना होती। जब इसने पी लिया था ना तब भी इसका काम तमाम था, क्योंकि वो मिट्टी को, जमी हुई मैल को क्या कर देता है, तेजाब, वो साफ करता है, तो अंदर का क्या हाल होगा। अगर सच्ची मैं कहता हूं ये प्रभु में ना होती तो शायद ये आज जिंदा ना होती, ये आपके सामने ना होती। पर सच में मेरा परमेश्वर, इसका परमेश्वर, आपका परमेश्वर महान है। मैंने क्या कहा, मेरा परमेश्वर, इसका परमेश्वर। डेविल ने इस्तेमाल किया इसे, क्या किया डेविल ने, ये नहीं कि इसे इस्तेमाल नहीं किया, किया, पर फिर भी परमेश्वर अपने लोगों की क्या करता है, चिंता करता है, हाँ, वो कहते हैं जरा सा भी इसके अंदर तेजाब रहेगा तो हमारी कोई गारंटी नहीं। बोलो क्या है, हम सबसे पहले
उस पिक को देखेंगे जब इसने तेजाब पी लिया। उस दिखाओ उन पिक को, दिखाओ दिखाओ जल्दी से। ये देखो इसकी पूरी जीभ देख रहे हो, अपनी स्क्रीन में देखो इसकी जीभ तेजाब पीने से पूरी ये सड़ चुकी थी। क्या सड़ गई? इसकी पूरी जीभ सड़ गई है। ये देखो ये पूरा जो बन इसके जीभ के ऊपर निशान बना है। दूसरी वाली पिक दिखाओ, ब्लड वाली। ये देखो ये हॉस्पिटल में जब इसे लेकर गए तो ये देखो कैसे इसके अंदर से ये ब्लड आ रहा था। क्या आ रहा था? ब्लड आ रहा था। और तब इसका एक ही विश्वास था कि अगर मैं आ जाऊं तो ये बच जाएगी। अपना इसका विश्वास था, ऐसे परमेश्वर तो साथ है, सबके साथ है। इसका विश्वास था कि अगर मैं आ जाऊं, अगर मेरी बात पापा जी से हो जाए, जहां मैं इनके लिए जाकर प्रेयर करूं तो यशी हो जाएगी। समझ आ रही है? और मैंने उत्साहित तो किया, पर ये कहते नहीं एक बार आ जाओ। मैंने कहा आपको विश्वास है कि मेरे आने से आप अच्छा हो सकते हो? मैंने ये तो बोल भी नहीं सकती क्योंकि इसकी तो पूरी जीभ क्या थी, क्योंकि इसके अंदर जख्म हो गए थे, पूरे जख्म हो गए थे। ये तो इसकी तो बिल्कुल आवाज भी नहीं थी। पर इसकी मम्मा से मेरी बात हुई, मैंने उनसे पूछा ये क्या कहती है, तो वो ये बस लिखकर उन्होंने ऐसे कहा कि हाँ ये कहती है कि मैं विश्वास करती हूं कि अगर मैं आऊं तो क्या हो सकती है। तो जब मैं गया हॉस्पिटल में, मैंने इससे पूछा तुझे विश्वास है कि मैं प्रार्थना करूंगा तो अच्छी हो जाएगी, तो ये बोल तो नहीं सकती थी, पर ये सुनती थी और ये सिर हिलाती कि हाँ अगर आप प्रार्थना करोगे। और जब मैं गया था, आपको कितने दिन हो गए थे हॉस्पिटल में? 7 दिन हो गए थे। और 7 दिन तक आपने क्या कुछ खाया पिया? नहीं पापा जी, कुछ भी नहीं खाया। कुछ नहीं खाया क्योंकि अंदर पूरे गले में जख्म हो गए थे, पेट में जख्म हो गए थे। क्या हो गए थे? उसकी दिखाऊं, ये जो अपने ये फोटो अल्ट्रासाउंड सारा दिखाओ, ये देखो पूरी ये दिखाओ पिक्चर्स, ये देखो पूरे ये पेट के हैं कि गले के, ये गले के जख्म, गले के, ध्यान से देखो। समझ आ रही है? ध्यान से देखो, ध्यान से। और ये सब रिपोर्टें हैं उस समय की, क्या है ये सब रिपोर्टें हैं। और सुनो, और जब मैंने उस दिन आप प्रेयर की तो उसके बाद क्या हुआ बताओ? पापा जी, 7 दिन से मैं कुछ भी खा नहीं रही थी, पानी भी नहीं पी रही थी। जब आप चर्च में आए, वो वहाँ हॉस्पिटल में गए, आपने मेरे मुंह में 3-4 चम्मच पानी के डाले, तो मैंने विश्वास किया। तो उस तो बाद मैं कुछ खा रही हूँ, अभी खिचड़ी भी खा लेती हूँ, पानी भी पी लेनी हूँ, तो दलिया भी खा लेनी। सुनो, अभी मेरे को सब कुछ पच रहा है। सबसे पहले तो तारीफ करो, हालेलुया। सुनो सुनो ध्यान से, एक हफ्ता इसने कुछ नहीं खाया, खाना तो दूर की बात है, एक चम्मच पानी भी इसके अंदर नहीं जाता था। अगर ये पीती थी पानी तो ब्लड बनकर उल्टी से बाहर। जो भी मैंने भूख लगती फिर मैं उन्होंने कहनी कि मैंने ग्लूकोश ला दो, तो ग्लूकोश से ही मैं 7 दिन कटे सी। ग्लूकोश से ये 7 दिन तक ऐसे रही, क्योंकि भूख तो लगेगी ना, तो खा तो सकती नहीं क्योंकि गले के अंदर तो पूरे पेट के अंदर तो जख्म थे। क्या थे? जख्म थे। देखो, और जब मैंने इसे पूछा तुझे विश्वास है कि मैं प्रार्थना करूंगा तो कहती या, क्योंकि इसने विश्वास से कहा कि आप मुझे अपने हाथ से पानी पिलाओ। मुझसे गलती होगी कि उस समय अगर हम वीडियो क्लिप कोई बनाते और आपको दिखाते, पर यह तो आपके सामने ही है ना, अगर वीडियो नहीं है उस समय की हमारी हॉस्पिटल में का, अगर हम वीडियो क्लिप कोई बनाते और दिखाते आपको,
और ये आपके सामने आज, और इसने खुद ऐसे कहा कि आप मुझे पानी पिला दो। मैंने कहा तुझे विश्वास है? और इसके विश्वास ने, जब मैंने ऐसे इसके विश्वास से जब प्रार्थना की और पानी इसके एक चम्मच भी नहीं, कम से कम कितने चम्मच डाले थे मैंने पानी के? चार पांच। चार चम्मच डाले पानी के और एक चम्मच भी ये पानी पीती थी और ब्लड बनकर बाहर आता था। और उसके बाद ना पानी, ना खून की उल्टी आई, ना कुछ हुआ। और उस दिन से इसको खाना पीना पचना शुरू हो गया और ये आज आपके सामने है। बोलो क्या है? आज ये आज आपके सामने जीवित है, जिंदा है। ऐसी सिचुएशन में बचते नहीं है लोग, पर कौन लोग बचते हैं जो किस पर भरोसा रखते हैं? कौन लोग बचते हैं जो किस पर भरोसा रखते हैं, जो किस में चलते हैं? क्योंकि वो भला परमेश्वर है। बोलो क्या है? आप सोचो। और पता कितना कितना था तजाब जो आपने पी लिया, कितना था? सर दो ढाई, पापा जी दो ढाई गिलास। कम से कम दो ढाई गिलासियां, मतलब आधा आधा बोतल से थोड़ा ज्यादा ही था। हाँ, आधा बोतल से थोड़ा ज्यादा, इतना तजाब इसने पी लिया था। समझते हो? अगर सच्ची ये प्रभु में ना होती तो शायद ये जिंदा ना होती। क्या ना होती? अगर ये प्रभु में ना होती ना तो जिंदा ना होती। पर सच्ची में परमेश्वर अपने लोगों की क्या करता है? चिंता करता है। क्या करता है? कि उसने कहा तू आग के बीच चाहे तुझे साड़, तू नदियों के बीच चाहे तुझे वो डुबो ना सकेगी। समझते हो? पर अगर आपका भरोसा, हाँ ये नहीं है कि, क्योंकि इस चीज में शैतान ने इसे इस्तेमाल किया, क्योंकि माँ ने डांटा, बोलो माँ ने डांटा तो शैतान ने गुस्से के रूप में इसे क्या कर लिया। आज भी कितने लोगों को गुस्सा आता है और गुस्से की वजह से लोग कितना कितना अपना नुकसान कर लेते हैं। लोग कर लेते हैं कि नहीं कर? अब तो छोटी सी चीज से लोग लोगों की कोर्ट कचहरियां तक क्या हो जाती है, छोटी सी बात से। पर अगर ये जिसका भरोसा, इसका विश्वास ना, क्योंकि ये विश्वास करती है, प्रेयर भी बहुत करती है, प्रभु से अच्छा है इसका रिश्ता है, इसलिए प्रभु ने इसे बचा लिया और आज ये जीवित है। इसलिए इस गवाही के लिए जोर से तारीफ करो। हालेलुया! जोर से, जोर से, जोर से, जोर से तारीफ करो। आमेन, हालेलुया। ओके, गॉड ब्लेस यू। परमेश्वर तुझे और भी आशीष दे। हाँ ठीक है, और इसे बढ़ते जाना भी। हाँ ठीक है, अभी बी केयरफुल। ओके ठीक है, परमेश्वर आपका आशीष दे।